Hello viewers, this is R.K. Azad, Prime News TV Today. Commissioner of Police Sanjan Kumar, two ahem cases ke taluk se media ko mukhatib karte hue. Namaskar, Hyderabad City Police ke taraf se two important cases ka detection hua hai. Jisme pehla case Chikadpalli Police Station सेंट्रल जोन के तरफ से ग्रेव HB बाई नाइट क्राइम नंबर 408 बाई 2021 जो कि 21 अक्टूबर को रात को 2 बजे फ्लैट नंबर 302 स्वामी निलयम गगन महल दोमलगुड़ा हैदराबाद में हुआ था। इस केस में 70 तोलास गोल्ड की चोरी हुई थी और जॉइंट CP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद के लीडरशिप में जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें अभी तक 44 तोलास ऑफ गोल्ड की रिकवरी हुई है। बाकी भी प्रोसेस में है, अभी दूसरे शहर से टीम वहां ऑलरेडी जा रही है। जो अक्यूज्ड हैं इसमें सुधाकर एलियस साई एंथोनी एलियस काका एलियस डेंजर, ये कर्नूल का रहने वाला है और अभी ऑटो ड्राइवर का बिजनेस करता है मेहदीपट्टनम में। इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे केस हैं और पहले इसके ऊपर PD एक्ट भी था। दूसरा ऑफेंडर मोहम्मद अयूब एलियस बड़ा अयूब, इसके ऊपर भी पहले PD एक्ट था। तीसरा अक्यूज्ड है नागमणि जो कि रिसीवर ऑफ प्रॉपर्टी है और वाइफ ऑफ अक्यूज्ड वन। फोर्थ अक्यूज तबरेज दाऊद शेख, ये अभी फरार है और एक्चुअली नागपुर का रहने वाला है। इसके बाद जो दूसरा केस है वो फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रिंटिंग और सर्कुलेशन का, जिसमें हमारे टास्क फोर्स सेंट्रल जोन के तरफ से क्यूबेज ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो अक्यूज्ड हैं सैयद नवीद एलियस फैजल सैयद ओवैस, ये दोनों मदीना नगर याकूतपुरा और गौलीपुरा के रहने वाले हैं और इनके पास से लगभग 220 फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के हैं जो रिकवरी हुआ। इसके लिए हमारे सेंट्रल जोन टास्क फोर्स और हमारे सेंट्रल जोन के इंचार्ज OSD राधाकृष्ण साहब को मैं सिटी पुलिस के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।